एवेयरनेस दिवस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भतीजे ने चाची और भाई को जिंदा जलाया, नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण। एसपी श्रीधर को ईडी का नोटिस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार पटना में एक भतीजे ने अपने चाची और चचेरे भाई को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही गाँव के लोग उग्र हो गए और घर में बंद कर भतीजे की जमकर पिटाई की। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भतीजे को लोगों से छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया। घटना गुरुवार सुबह नौबतपुर थाना अंतर्गत करणपुरा गांव की है। मरने वालों की पहचान शांति देवी और उनका पुत्र अविनाश कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पैसे मांगने पहुंची भतीजी माधुरी देवी को जब रुपए नहीं मिले तो उसने केरोसिन छिड़क कर दोनों माँ और बेटे को जला दिया। आग लगने से तड़पते माँ और बेटा जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। इस दौरान माधुरी ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया, वहां उनकी जलकर मौत हो गई। कमरे में सिर्फ राख मिली। आग की लपट और गंदे महक पर गांव के लोग वहां जमा हो गए और आक्रोशित लोगों ने भतीजे की जमकर पिटाई शुरू कर दी। अगली खबर, महाराष्ट्र को फिलहाल ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर ठाकरे सरकार की याचिका को खारिज कर बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने ओबीसी आरक्षण पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। ठाकरे सरकार ने इस बारे में एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर कोर्ट से अपील की थी कि वे केंद्र सरकार को एम्पिरिकल डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहे या राज्य सरकार द्वारा इस तरह के डेटा को संकलित करने का पूरे चुनाव को रद्द कर दे। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि महाराष्ट्र में 21 दिसंबर को होने वाले नगर पंचायत चुनाव योजना के मुताबिक कराए जाएंगे, बाकी अगले वर्ष फरवरी महीने में होने वाले 18 नगर निगम चुनाव के भविष्य का फैसला 17 जनवरी को नए वर्ष में तय किया जाएगा। अगली खबर, अकोला जिले के एमपी जी श्रीधर को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा है। उन्हें शुक्रवार को ईडी दफ्तर में पेश होना होगा। अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला चल रहा है उस सिलसिले में जांच के लिए उन्हें तलब किया गया है। श्रीधर जब बीड में पुलिस अधीक्षक थे तब वाक्य बोर्ड के उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। उनके साथ ही तत्कालीन जिला अधिकारी के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि उक्त जिला अधिकारी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। श्रीधर ने स्वीकारा है कि उन्हें शुक्रवार को मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में तलब किया गया है। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।